एक और है बिजनौर कोर्ट में जिस तरह से गोलीकांड हुआ उसका सबसे पहला वीडियो सामने आया है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। हमले के वक्त सिपाही ने बदमाशों को पकड़ने के लिए की फायरिंग की थी। कल सीजीएम कोर्ट में बदमाश शहनवाज की गोली मारकर हत्या की गई थी और इस वारदात के बाद से तमाम तरह के सवाल उठे थे, विपक्ष ने भी निशाना साधा था। लेकिन इस बीच ये वीडियो आप देखिए, ये पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ऐसे ऐसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि एक पुलिस का सिपाही बंदूक तानकर खड़ा हुआ है और कोशिश की गई थी जैसे ही बिजनौर में गोलीकांड हुआ, ये सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस गोलीकांड की, ये तस्वीर सामने आई है। ये देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बाहर निकले और इस बीच एक पुलिसकर्मी पिछड़ा पीछे जी हाँ, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने बिजनौर सीजीएम कोर्ट में जो गोलीकांड हुआ था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें आप देख रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी बंदूक पकड़े खड़ा हुआ है और इस बीच कुछ चहलकदमी होती है और वहां मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें साइड किया जाता है, उन्हें बाहर निकाला जाता है उस क्षेत्र से जहां पर ये गोलीकांड होता है और पुलिस के जो जवान है वो पोजिशन लेते हैं और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जब गोलीकांड हुआ सभी आरोपियों को डिटेन किया जाए। वसीम अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता। वसीम, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में बताइए जरा। हेलो वसीम, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों तक, इस तस्वीर के बारे में बताइए। मैं बता, चलिए वसीम संपर्क करेंगे दोबारा, वसीम से संपर्क करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये सीजीएम कोर्ट का वो क्षेत्र जहां पर कोर्ट परिसर में गोलीकांड होता है और जैसे ही गोलियों की आवाज आती है तुरंत जो आसपास मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और लोगों को साइड किया जाता है। आम जनता, ये देखिए आप जो भागते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, इन लोगों को साइड किया जाता है, आवाज लगाई जाती है कि आप लोग सब साइड होइए और उसके बाद जो जैसे ही गोलीकांड होता है तुरंत सभी पुलिस के जवान पोजीशन लेते हैं। इस बीच चहलकदमी भी नजर आती है, भागमभाग मचती है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीर आप देखिए सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ एक को पकड़ा भी गया है, ये तस्वीर भी सामने आ रही है और ये गोलीकांड की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये कल का मामला है। वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वसीम हम तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में बताइए। जी मैं बताना चाहूंगा, कल जब 1:30 बजे करीब यहाँ पर बिजनौर कोर्ट में फायरिंग हुई थी जिसमें शाहनवाज अंसारी की मौत हो गई थी और वहाँ पर 3 बदमाश आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिसमें जज को भी कुर्सी के नीचे छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। और यहाँ पर उसके बाद बाहर की जो व्यवस्था जिसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सिपाही अपनी मुस्तैदी से वहां पर दिखाई दे वो कोशिश कर रहा है कि ये अपराधियों पर नियंत्रण पा पाए और वहां पर काफी हबड़ा तबड़ी का माहौल है, अंदर फायरिंग हो रही है और वो वसीम इस तस्वीर में एक व्यक्ति को अंदर से बाहर लाते हुए नजर आ रहा है, क्या वो उन आरोपियों में से एक है जिसने गोली चलाई थी? नहीं, उनमें से नहीं है, माना ये जा रहा है शायद वो इसमें, क्योंकि कोर्ट भरा हुआ था, ये कोर्ट में कई सारी तरह की सुनवाई होती है, कई सारे केस चलते हैं तो अभी उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हो सकता है क्योंकि एक अपराधी वहां पर जो शाहनवाज अंसारी के साथ आया था जब्बार, जो कि दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था, वो फरार है, तो हो सकता है कि ये वो व्यक्ति हो, वो बदमाश हो जो फरार हो गया है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। बिल्कुल, ये भी आप नई अपडेट दे रहे हैं कि एक बदमाश इस मौके को देखकर फरार भी हो गया। अच्छा वसीम, ये बताइए कि ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इसमें एकदम से चहलकदमी होती है, यानी कि पुलिस के जो जवान होते हैं वो पोजीशन लेते हैं जैसे ही आवाज सुनाई देती है गोलीकांड की? जी बिल्कुल, जैसे ही वहां पर अंदर से गोलियों की आवाज आती है तो
वहाँ पर सारा बाहर का माहौल मतलब सहम जाता है, वकील इधर उधर हो जाते हैं, और एक सिपाही जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में था तो वो वहाँ पर देखता है और वो अपनी पोजीशन लेता है, और उसके बाद वहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल वो पुलिस वो समझ नहीं पाता, इतनी दरमियान अंदर मर्डर हो जाता है, और मर्डर के बाद वहाँ पर वो वसीम जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये सीजीएम जहाँ पर एक गोली कांड हुआ वो कितनी दूर है इन तस्वीरों से? बिल्कुल वहाँ से 10 कदम की दूरी नहीं है, वो गेट पर ही खड़ा है, वहाँ पर जो उसका बरामदा है, जो उसके मेन जो कोर्ट सीजीएम कोर्ट है, कोर्ट के बाद ये 3-4 कदम है और ये वहीं पर खड़ा हुआ है, गेट के बाहर की बात है ये। बिल्कुल वसीम, लेकिन हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि एक ही पुलिस का जवान नजर आ रहा है, क्या और भी वहाँ पर एक्टिविटी हुई थी? नहीं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बहुत कमी थी, यहाँ पर पुलिस इसी वजह से यहाँ पर ऊपर के शासन के आदेश पर 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, और यहाँ पर पुलिसकर्मियों की काफी लापरवाही थी, अगर यहाँ पर ज्यादा पुलिसकर्मी होते, चेकिंग होती तो ये हादसा हो सकता, टल सकता था, तो जिस बदमाश हथियार लेकर अंदर नहीं जा पाते। वसीम, एक सीसीटीवी फुटेज जैसा नजर आ रहा है, यानी कि सीसीटीवी लगा हुआ, फुटेज नहीं है, सीसीटीवी लगा हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है वो सीसीटीवी हो या नहीं हो, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, कोर्ट परिसर में वहां पर सीसीटीवी है, और कोर्ट के अंदर नहीं है, कोर्ट के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है, मगर अभी उसकी फुटेज न तो प्रशासन हमने उपलब्ध करा रहा है, ना ही वो कहीं बाहर आ पाई है, अब ये देखना है, प्रशासन हो सकता है जांच कर रहा हो, उसके बाद रिलीज करें। वसीम, इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद जो लोग पेशी के लिए आए थे या फिर जो इस केस से या दूसरे अन्य केसों से जुड़े हुए हैं, एकदम से भगदड़ मचती है, यानी कि लोग वहां पर मौजूद थे बड़ी संख्या में? नहीं, भारी तादाद में, क्योंकि सीजीएम कोर्ट में मामला होता है, सीजीएम कोर्ट के बाहर वकीलों के बस्ते लगे हुए हैं और वहां पर वाद कर ही रहते हैं लोग, और जो वकील है वहां पर मौजूद रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो काफी भीड़ रहती है, तो वहां पर सारा एकदम सन्नाटा हो गया, लोग बाग इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, और कि कहीं बदमाश बाहर आकर भी फायरिंग ना कर दे, और कहीं बिल्कुल जहां से वीडियो बनाया गया है वो लग रहा है कि जैसे कि वकीलों की बैठने की जगह हो, वहां से कोई हलचल नहीं है, यानी कि वकीलों ने जैसी आवाज सुनी वो पीछे हो गए। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर ये वकील का बस्ता जो जो अस्थायी रूप से चैम्बर ये बना हुआ है, तो वहीं से किसी ने और वहीं पर ये लोग बिल्कुल जो आसपास के वकील बैठते हैं वो बिल्कुल सब पीछे हो गए और छुपने की कोशिश करने लगे कि कहीं कोई ऐसी यहाँ पर गोली वगैरह ना जाए या कोई ऐसे फायरिंग वगैरह ना हो जाए कि यहाँ पर किसी को कोई हानि पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, हम तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। ये तस्वीरें हैं बिजनौर सीजीएम कोर्ट की, कल जहां कोर्ट परिसर में गोलीकांड हुआ था और एक आरोपी जिसको पेशी के लिए लाया गया था उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे जो उसके साथ मौजूद थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था थी कोर्ट परिसर को उसको लेकर सवाल उठे थे और कार्रवाई भी की गई है, एसपी की तरफ से 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, चौकी प्रभारी भी उसमें शामिल है। तो ये कार्रवाई होने के बाद अब चूंकि ये कल का मामला है और ये तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, ये मोबाइल के द्वारा बनाई गई तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी जैसे ही गोलीकांड की आवाज सुनता है, गोलियों की आवाज सुनता है, तुरंत पोजीशन लेता है, और इस बीच कुछ लोग कुछ महिलाएं भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम, चूंकि ये जो पूरा मामला सामने आ गया है, कार्रवाई भी हो गई है, अभी कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? पूरे मामले में अपडेट ये पता चला है कि जो 3 अपराधी जो जिन्होंने गोली मारी थी, जिसको शाहनवाज अंसारी को मारा था, तो उन 3 अपराधियों में 3 की पहचान हुई है, एक अखिराज है, एक साहिल है जो कि एहसान का लड़का बताया जाता है, जिसकी 6 महीने पहले हत्या हुई थी, और एक लड़का संदीप सुमित वो शामली का बताया जा रहा है। तो इनमें से एक खास बात और निकल के आ रही है, जो पुलिस अभी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है, मगर जो सूत्रों से पता चला है कि इसमें 2 अखिराज और साहिल ये नाबालिग हैं, और इनकी उनकी अभी सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है, उनकी और पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि ये इतनी कम उम्र में इनकी वाकई कितनी उम्र है और इन्होंने इस उम्र में कैसे ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, ये बड़ी वारदात हुई और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना के लिए जगह चुनी गई, यानी कि जिस वारदात को अंजाम देने के लिए जगह चुनी गई वहां पर ये घटना होती तो ये मामला और बड़ा हो जाता है। वसीम, चूंकि 18 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है,
कोई लापरवाही सामने आई है अब तक सामने कि किस तरह से हुआ है? हालांकि लापरवाही तो है, लेकिन किसी की मिली भगत हो इस तरह की खबरें? निसंदेह इसमें पुलिस कर्मियों की तो लापरवाही सामने आती है। और आज इसी सिलसिले में यहाँ पर बिजनौर में आईजी जो की बरेली जोन है, आईजी मुरादाबाद जोन रमेश यहाँ पर आए हुए हैं और वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि किस किस बिल्कुल जांच जारी। बहुत शुक्रिया आपका वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बिजनौर सीजीएम कोर्ट की तस्वीरें थी जो कि उस वक्त की तस्वीर है जब गोलीकांड हुआ था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में हंगामा भी हुआ, विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा है सुनिए। बिजनौर जैसी घटनाओं को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम तैयार हैं, हमने अपना प्रस्ताव भेजा भी है। न्यायपालिका जैसे ही इसके बारे में आवश्यक सहमति देती है, जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है न्यायालय की सुरक्षा के लिए, सरकार के पास पूरी कार्य योजना है और उस कार्य योजना को हम लागू करना चाहते हैं। न्यायपालिका की सहमति उसमें होगी, हम भी चाहते हैं घटनाएं घटित हों, लेकिन याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। तो सीएम योगी ने इस बात को लेकर जवाब भी दिया है कि सरकार भी लगातार चाहती है कि कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इसको लेकर एक पूरा प्लान तैयार है और न्यायपालिका की मंजूरी मिलने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये तस्वीर सामने आई है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब गोलीकांड हुआ सीजीएम कोर्ट में। जो आप पुलिसकर्मी को देख रहे हैं जो पोजीशन लिया हुआ है, जो हाथों में हथियार है और लोगों को इशारा कर रहा है कि आप साइड में हो जाइए, यहां से कुछ कदमों की दूरी पर, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 कदमों की दूरी पर यह पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भी निकलकर सामने आते हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर उठाए हुए, हो सकता है कि उनमें से वो आरोपी हो या हो सकता है कि वो लोग हों जो कि किसी काम के सिलसिले में या कोर्ट के काम के सिलसिले में यहां पर आए हुए हों। बहरहाल, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर बताती है कि उस वक्त क्या हलचल रही होगी, उस वक्त किस तरह का हड़कंप मचा। जैसे ही गोली की आवाज सुनी, तुरंत पुलिस के जो जवान थे, इधर उधर तैनात थे, वो अपनी पोजीशन तो संभालते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पोजीशन उस वक्त क्यों नहीं संभाली गई जब ये सभी आरोपी हथियार लेकर सीजीएम कोर्ट के अंदर तक हो गए। ये कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह की वारदात, जिसको लेकर सरकार भी गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जवाब भी दिया है और कहा है कि सरकार इस पर गंभीर है, कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को लेकर और प्लान भी तैयार किया जा चुका है। तो इन सब के बीच ये तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये पुलिस का जवान जो कि लाल घेरे में नजर आ रहा है, ये पोजीशन संभालता है और यहां से कुछ कदमों की दूरी पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये सबसे पहले आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मुठभेड़ की ये तस्वीर है, क्योंकि सभी पुलिस के जवान यहां पर पोजीशन लेते हैं और वो आरोपी भागने ना पाए, वो जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया उसको पकड़ने के लिए ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन ये तब हुआ जब वारदात को अंजाम दिया जा चुका था।